मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्हास, 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 मेरा उल्हास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। नमस्कार, मेरा उल्हास टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट रिद्धि आसवानी। आप देख रहे हैं मेरा उल्हास। मेरा उल्हास यानी हमारा, आपका, हम सबका शहर उल्हासनगर। आइए देखते हैं क्या है इसकी गतिविधियां और क्या है इसके घटनाक्रम मेरा उल्हास में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। एक तरफ वाल्दोनी नदी को बचाने और उसे स्वच्छ रखने के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन जारी है। हाल ही में वाल्दोनी नदी के किनारे पर ट्री प्लांटेशन किया गया, लेकिन वहीं कुछ फैक्ट्री वाले अभी भी इस नदी में जहरीला केमिकल फेंक रहे हैं, जिसके कारण उल्हास स्टेशन परिसर और कैंप 3 के निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में रात को 2:30 बजे फिर से जहरीले गैस के कारण लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ा। मैं रामानगर में रहता हूँ, उल्हासनगर 3 नियर ओटी सेक्शन। कल 2:30 बजे कल अचानक जहरीली गैस की जो बदबू आई थी, अचानक आई थी, तो हम लोग मतलब नींद में से उठ गए, बच्चे भी वोमिटिंग कर रहे थे, पेट में दर्द हो रहा है, अचानक इतना हालत हो गया। तो हम लोगों ने एसी में बैठा, लेकिन एसी में भी ये सब पूरी बदबू आ रही है। तो हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस भी आ गई वहाँ पर। उन्होंने भी रियलाइज़ किया यहाँ पर इतनी बदबू, जहरीली बदबू आ रही है, जिसके वजह से भाई वो भी खड़े नहीं रह पा रहे थे। उल्हासनगर रिएक्शन मेरे मतलब बच्चों, दोनों बच्चों को एकदम पेट में अचानक दर्द हो रहा था और एकदम उल्टी भी उन्होंने किया, लेकिन आजू बाजू में सुबह उन्होंने उनके भी बच्चे भी थे, उनकी भी हालत ख़राब थी। ये तो समझो बच्चे 15-16 साल के, जो छोटे बच्चे उनकी क्या हालत होती होगी। ये सर लगभग नियर ओटी सेक्शन से ही आ रहा है, यहाँ कॉलेज CHM कॉलेज के जो पीछे जो नाला है वहाँ से ही आ रहा है, वहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर वगैरह है वहाँ से आ रहा है। पुलिस ने सर्वे किया था 2:30 मतलब 3:30 बजे पुलिस आई थी, तो हमारे घर में भी विजिट किया, तो उन्होंने देखा कि इतनी जहरीली बदबू आ रही है। फिर उन्होंने खुद सर्चिंग किया, बोला हमने अंबरनाथ पुलिस में भी भाई वायरलेस घुमाया, वहाँ पर नहीं है, आ रहा है तो यहाँ पर ही आ रहा है। फिर पुलिस का फ़ोन आया, बोला हमने विज़िट किया है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या करें, लेकिन ये हर 2 महीने की बात है, हर 2 महीने में आ रहा है। इससे मतलब एकदम जहरीली ऐसी बदबू आ रही है, मतलब सांस भी नहीं ले पा रहे हैं हम लोग। ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा है, हर 2 महीने की बात है, 2 महीने में ये होता ही है। यहाँ तो कंटिन्यूस 3-4 दिन होता है, जब कंप्लेंट जाती है पुलिस में भी कंप्लेंट जाती है, वो फिर बंद कर देते हैं, फिर 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद ये करते ही है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है भाई, कोई ख़त्म नहीं हो रहा है। ये कमिश्नर को भी किया था और वो भी ये फील्ड में थे, उन्होंने खुद उल्हास स्टेशन पे विज़िट किया था, लेकिन वहाँ पर बस वही बातें हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। मैं रामायण नगर में रहता हूँ, लगभग रात के 2:30 बजे मैं और मम्मी सो रहे थे, तो इतने में इतनी सी जहरीली सी बास आने लग गई, बहुत बेकार बास थी, उसकी वजह से हम लोग भी उड़ गए, पूरा रात में नींद ख़राब हो गई थी। तो सब ना बात किया है सब लोगों से, तो प्लीज़ कुछ एक्शन लीजिए। अभी भी ऐसी स्थिति है कि उल्हासनगर, अंबरनाथ और बदलापुर की कुछ फैक्ट्रियों से वाल्दोनी नदी में जहरीला केमिकल फेंका जाता है, जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो जाता है।
हादसा नहीं होगा जब तक कोई क्या ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। यहाँ पे हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको सांस लेने में तकलीफ होती है। कब तक हम लोग ये सहन करेंगे? हर बार जाके हम कंप्लेंट करके आते हैं, हमारा कोई सुनता ही नहीं है। बोलते देखेंगे, जाएंगे, हम बीमार पड़े हैं, ये कब तक चलेगा ऐसे? तो हमें इंसाफ चाहिए। एक तो ये केमिकल बंद करवाइए या तो फिर हमारे कुछ ना कुछ यहाँ हो जाएगा, सोल्यूशन निकालो प्लीज। जुम्मा कौन लेगा? बस हमारी यही आपसे विनती है। गंदे गंदी बिंदी बहुत आता है उधर, कितना बांस आता है उधर, बहुत बांस आता है। और फेमिकॉल का सुबह में बांस छोड़ देते है, बच्चे रात को भी कितना बांस आता है, उसका कुछ तो तुम लोग करो उसका। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। साई पार्टी गंगाजल फ्रंट एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा साहित्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आगे रहती है। इसी कड़ी में साई पार्टी ने आयोजन किया एक सिंधी नाटक का, जिसका नाम था हाणे दियरू राज कंदियू। इस नाटक को पेश किया सिंधु सखा संगम के कलाकारों ने। इस नाटक को बेहद सराहा गया, आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। रिस्पॉन्स मिलो है खास कर असन प्यारे सिंधी जो जिन अज डोनर पासिस परचेज करें खीसे में पैसा कटी करे अची करे ये सिंधी नाटक दिसन जो जिगर रखो है तो पे एक दफो भी ताड़ी हो जाए। यह नई शुरुआत है, यह नई शुरुआत सिंधु सखा संगम की अकेली कोशिश को तहत तमाम वो हथ है, स्पॉन्सर जो तमाम वो हथ है। तो चवंदम जिन ही हाल अवेलेबल कराया, जिन असाके पेंजो साथ ए सहयोग दिनो आहे, उनन सबनी जो वड़ो हथ आहे। ए जेके कलाकार जेके तवाजे सामू परफॉर्मेंस करण वारे आहिनि, इन्हनि सबनी जो वड़ो हथ आहे। ए सब का वड़ो हथ आहे संतन जो, असाजे इष्ट देव भगवान झूलेलाल साईं जो, जिन जी मेहर सां ही असी नाटक तवाजे सामू पेश करे रहिया आहियूं। हाणे धीअरू राज सदा सिंधुअ जी छोली मारुवड़न जी मिठड़ी बोली रहे सदा सिंधुअ जी छोली मारुवड़न जी मिठड़ी बोली गली गली ऐ घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा 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 जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन We'll be right back.
आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर से सटे मारल गांव में स्थित सीमा रिसोर्ट्स में रॉक स्टार मिलिंद गावा के प्रोग्राम का आयोजन किया गया। उनके गानों को सुनने और उनके गीतों पर पैर थिरकाने के लिए बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हुए। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। आगामी 1 जुलाई को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST लागू होने वाली है। इसी को लेकर अब उल्लासनगर शहर में कई सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में सेवा सदन कॉलेज में GST के संबंध में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। ये GST और रेरा पे प्रोग्राम किया गया। ये GST पे मिस्टर मोहित जी ने और हमारे सुपरिटेंडेंट साहब मिस्टर निर्मल रंगानी जी आए थे, उन्होंने पूरी रोशनी डाली और GST पे अच्छे विस्तार से उन्होंने बताया। ये सेवा सदन में मिस्टर विजय तारानी के सौजन्य से ये हमारे को प्रोवाइड किया गया सब, और हमने ये व्यापारी भाइयों लोगों के लिए सबके लिए लेक्चर रखा था कि वो अवेयर हो, नॉलेज हो और GST का पैनिक ना लें और अच्छी तरह से GST को फेस करें। GST मोस्ट प्रोबेबल 1 जुलाई को अप्लाई होने वाली है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। सिंधी समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक स्थान पूज्य चालिया साहिब मंदिर में जो चोरी की वारदात हुई थी उसे 2 सप्ताह से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ना तो चोर पकड़े गए हैं और ना ही आभूषण बरामद किए गए हैं। ये है देश विदेश में मशहूर उल्लासनगर का पूज्य चालिया साहिब ट्रस्ट मंदिर।
यहाँ पर वर्षों से चालिया साहब का व्रत, चेटीचंड महोत्सव और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह सिंधी समाज का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है, जहाँ पर अनडिवाइडेड इंडिया यानी अखंड भारत से झूलण की जोत लाई गई थी और यहाँ इस मंदिर में स्थापित की गई थी। इस मंदिर को पूज्य चालिया साहब ट्रस्ट मंदिर इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूज्य चालिया साहब का व्रत धारण किया जाता है। हर साल श्रावण मास में हजारों श्रद्धालु भगवान झूलेलाल की उपासना करते हुए व्रत को धारण करते हैं, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ पर भगवान झूलेलाल पर जो आभूषण चढ़ाए गए थे उस पर कुछ चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। ना तो वो सीसीटीवी कैमरा में आ पाए हैं और ना ही पुलिस उन्हें तलाश कर पाई है। व्यापारी संगठन खामोश हैं, ट्रस्टी खामोश हैं, वे सिर्फ चोरी की घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में एक बहुत बड़े धार्मिक स्थान से चोरी होना और चोरों का पता न चल पाना, आभूषणों की जानकारी न हो पाना, ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। बाबा साईं तीर्थ स्थान में हर महीने पूर्णिमा की शाम एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, पूर्णिमा की शाम बाबा साईं के नाम। इस बार भी यह धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और श्री वद्योमल जादवानी का वर्षी महोत्सव भी मनाया गया। की भांति बाबा साईं तीर्थ स्थान में, बाबा साईं नगर में पूनम की शाम बाबा साईं के नाम, हरिओम बाबा साईं, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और इस बार योग हुआ है कि बाबा साईं दरबार के जो सेवक हैं, समाज सेवक भी हैं, बाबा साईं के प्यारे भी हैं, श्री वद्योमल जादवानी जी, जिनको प्रेम से मियामल जी के नाम से भी जानते हैं, वो बाबा के परम भक्त हैं, उनकी भी आज पुण्यतिथि और वर्षी उत्सव यहाँ प्रेम से श्रद्धा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। और हर वक्त, हर दफ़े, हर पूर्णिमा पे बाबा साईं दरबार मिशन का यही प्रयास रहा है और यही लक्ष्य है इस दरबार का, जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हैं वे एवं सभी सुख शांति और समृद्धि के लिए यहाँ सम्मिलित हों और हर पूर्णिमा पे स्वयं आकर परमात्मा से साक्षात्कार करें, प्रार्थना करें, अर्चना करें, साक्षात्कार करें, यही बाबा साईं दरबार की यही प्रयास रहता है। और हमारे बीच, हम जिनके चरणों में बैठे हैं, हमारे बाबा साईं आसनदास जी, मैं चाहूँगा ये पूर्णिमा उस परमात्मा से मिलाने की पूर्णिमा है, जो पूर्ण है, पूर्ण से मिलाने का प्रयास किया जाता है, ऐसा ये बाबा साईं दरबार है। और यही हमारी आशा है कि जितने भी भक्त आ रहे हैं हर पूर्णिमा पे, जो एक शाम बाबा साईं के नाम मनाई जाती है और सदैव ये मेले लगते रहें, बाबा साईं दरबार में मौज लगती रहे। हरिओम बाबा साईं, हरिओम बाबा साईं। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हर इंसान के लिए स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, इसलिए मेरा उल्लास टीवी न्यूज की टीम आपको रूबरू कराती है किसी न किसी योग शिक्षक या विशेषज्ञ से, जो देते हैं आपको स्वस्थ और फिट रहने के कुछ उपयोगी टिप्स। नमस्ते, आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल यानी आंखों के नीचे काले घेरों के बारे में। इसका कारण है कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करना, नींद बराबर न करना, हाइपोथायराइड, कुछ दवाइयों की एलर्जी और पानी कम पीना, रक्त की कमी,
और नमक का ज़्यादा उपयोग करना, इसका निवारण है। आप टमाटर का जूस लीजिए, उसमें नींबू और शहद मिक्स कीजिए और वह उसे हल्के हल्के हाथों से दिन में दो बार आँखों के नीचे मसाज कीजिए और फिर सादे पानी से धो लीजिए। आलू के स्लाइस लीजिए, वह आप आँखों पर रखिए। कुकुम्बर यानी ककड़ी को भी काट कर आप गोल गोल स्लाइस करके आँखों के काले घेरों पर लगाइए। बादाम तेल में विटामिन ए होता है, उसे आप रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट तक खूब अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ, लेप बेसन लीजिए, उसमें नींबू और टमाटर का जूस मिलाइए, वह लेप आँखों के काले घेरों पर लगाइए और 15 से 20 मिनट के बाद धो लीजिए। ठंडा दूध या गुलाब जल, उसमें से रुई को भिगोकर आप अपने आँखों पर रखिए। अब मैं बात करूँगी खाने पीने के बारे में। खूब सा पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, जूसेस बहुत पीजिए और गाजर का जूस खास करके पीजिए। अंकुरित अनाज खाइए, दालें खाइए, सलाद को शामिल कीजिए, टमाटर खाइए, दही दूध सलाद का बहुत उपयोग कीजिए, नमक कम खाइए, भरपूर नींद कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही, वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर से होगी आपसे मुलाकात मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास।